Friends, welcome to GYS. How are you? I hope you are doing well. So friends, जैसे कि आपको पता है कि हम अपने चैनल पे UPSC सिविल सर्विसेज का सिलेबस कवर कर रहे हैं और हम अपने चैनल पे जो आपका स्टैटिक एज वेल एज करंट पोर्शन सभी को कवर करेंगे. तो पहला टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया है वो हमारा इन्वायरमेंट का है. ऑलरेडी हम इसके 10 लेक्चर्स कर चुके हैं, आज हम 11th लेक्चर करेंगे. तो जो हमारा 11th लेक्चर है वो वेटलैंड्स के ऊपर है. तो जो बच्चे न्यू हैं इस चैनल को अभी अभी देख रहे हैं उनको रिक्वेस्ट है कि वो पिछले 10 लेक्चर देख लें, तभी कोई सेंस बनेगी इस लेक्चर की. तो फ्रेंड्स, आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेटलैंड्स, एंड आज हम लर्न करेंगे रामसर कन्वेंशन के बारे में जो वेटलैंड्स के ऊपर है, और टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स. फर्दर हम जो देखेंगे वो कीवर्ड्स हमारे जो हैं वेटलैंड्स हैं, रामसर कन्वेंशन है, हाइड्रोफाइट्स है, जिनके बारे में आप अभी लेक्चर के बाद आंसर कर पाओगे कि ये कीवर्ड्स किसके रिलेटेड है. तो ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है. ये है आपका वेटलैंड्स, उसकी टाइप्स एंड देयर इंपॉर्टेंस एज वेल एज रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स. तो ये हमारा लेक्चर है. आज हम वेटलैंड्स के बारे में सीखेंगे, व्हाट आर वेटलैंड्स, रामसर कन्वेंशन के बारे में सीखेंगे, उसका क्राइटेरिया देखेंगे कि वो किस बेस पे किसी वेटलैंड को सिलेक्ट किया जाता है, एडवांटेजेस देखेंगे रामसर कन्वेंशन को ज्वाइन करने की, करंट स्टेटस क्या है कन्वेंशन का, करैक्टरिस्टिक्स क्या है वेटलैंड्स के, टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ वेटलैंड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स और फंक्शंस ऑफ वेटलैंड्स करेंगे. तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, फर्स्ट जो हम करने जा रहे हैं, फर्स्ट पहले जो हम समझेंगे वो हम समझेंगे वेटलैंड्स क्या हैं. तो देखिए फ्रेंड्स, ना तो ये लैंड होती हैं और ना ही वाटर होती हैं. देखिए, पहली तो सिंपल एक बात बता दूं कि ये एक तरह का इकोसिस्टम होते हैं. तो ऑलरेडी मैं आपको इकोसिस्टम बता चुका हूँ कि इकोसिस्टम क्या है. जिनको नहीं पता वो मेरे पिछले लेक्चर देखिए कि इकोसिस्टम क्या है. वेटलैंड एक तरह का इकोसिस्टम होता है, और जो ना ही लैंड होता है ना ही वाटर होता है, बट उसके इंटरमीडिएट होता है. दीज आर एरियाज वेयर वाटर एंड लैंड आर मिक्स्ड. तो यहाँ पे मिक्स्ड होते हैं वाटर एंड लैंड. तो देखिए, ये क्या होता है आपका, कहाँ पाया जाती है वेटलैंड, जहाँ पे आपका एक तरह से बिटवीन द ड्राई लैंड एंड डीप वाटर हैबिटेट्स. तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे ड्राई लैंड है, तो ये इंटरमीडिएट यहाँ पे पाई जाएंगी. तो इनके बीच अकर करती हैं. तो एक तरह से ये क्या होते हैं, आपके जोन ऑफ ट्रांजिशन होते हैं बिटवीन लैंड एंड वाटर. तो यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर होता है, साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रंट्स होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है सन की एनर्जी को यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है. तो एक यहाँ पे रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं. तो देखिए, अब मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये ट्रांजिशनल जोन होता है बिटवीन द टू इकोसिस्टम्स. वो कौन से हैं टू इकोसिस्टम्स, आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम और लैंड इकोसिस्टम के बीच ये ट्रांजिशनल जोन है. तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है आपका एक तरह का इकोटोन है. इकोटोन क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ पहले, जो दो अलग अलग इकोसिस्टम्स के बीच में ट्रांजिशनल जोन होता है उसको इकोटोन बोलते हैं. तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, सिंस दीज आर ट्रांजिशनल जोन्स, अब ये ट्रांजिशन जोन है, इसमें दोनों तरह के स्पीशीज पाए जाएंगे. कुछ स्पीशीज एक्वाटिक इकोसिस्टम के होंगे, कुछ स्पीशीज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के होंगे. तो यहाँ पे देखिए, ये तो दोनों की मिक्स वैरायटी भी पाई जाएगी, और यहाँ पे कुछ स्पेशल स्पीशीज भी होंगे जो सिर्फ यहीं पे पाए जाएंगे. तो एक तरह से प्रोडक्टिविटी जो होती है वेटलैंड इकोसिस्टम की वो बहुत ज़्यादा होती है. और यहाँ पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं वेटलैंड्स में, वो देखिए उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं. और वो पानी में एक तरह से शैलो वाटर्स में रहने के लिए अडाप्ट हो चुके होते हैं. तो देखिए ये दो सॉरी फ्रेंड्स, जो आपका ये वेटलैंड्स है ये मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स में से आता है अर्थ के. तो मैंने आपको बताया है कि लैंड और एक्वाटिक इकोसिस्टम दोनों के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, कुछ स्पेशल भी पाए जाते हैं. तो वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स होते हैं अर्थ पे. तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट को. कैसे करते हैं वो हम आगे जाके देखेंगे. तो देखिए, वेटलैंड्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ रीजन्स में पाए जाते हैं या ट्रॉपिक्स में पाए जाते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं यहाँ पे नहीं पाए जाते, ये पूरी अर्थ पे पाए जाते हैं फ्रॉम टुंड्रा टू ट्रॉपिक्स. तो एज पर जो मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट एस्टिमेट्स है, जो हमारा वेटलैंड्स हैं वो 7% ऑफ द अर्थ सर्फेस को कवर करते हैं, और ऑलरेडी ऑलमोस्ट 45% ऑफ द जो आपका नेचुरल प्रोडक्टिविटी है और इकोसिस्टम सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं. तो देखिए, ये जो है इनकी एग्जिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए,
लिए अर्थ पे, लेकिन अभी ये आजकल थ्रेट में चल रहे हैं ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, जो ह्यूमन बींग की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं, उससे बहुत ज़्यादा इनको असर पड़ रहा है वेटलैंड्स को। हम देखेंगे आगे जाके कैसे असर पड़ रहा है, अभी आप समझने की कोशिश करिए जितना मैं समझा रहा हूँ। तो देखिए, आपका ये एक पैंटर्नल वेटलैंड है, ये लार्जेस्ट वेटलैंड है, ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। पैंटर्नल जो है लार्जेस्ट वेटलैंड है, ये कहाँ पे है? ब्राज़ील में है, इन साउथ अमेरिका। तो देखिए, अब ये तो आपने बात कर ली कुछ करेक्टरिस्टिक्स की, अब देखिए जो हम स्पेसिफिक डेफिनेशन की बात करें, ऑलरेडी हम डेफिनेशन कर चुके हैं, लेकिन अलग अलग एजेंसीज ने डेफिनेशन दी है इनकी, तो कुछ दो डेफिनेशन हम फिर से देखेंगे ताकि हमें एक अच्छा आइडिया हो सके कि वेटलैंड्स होती क्या है। तो देखिए, जो मोस्ट वाइड स्प्रेड डेफिनेशन है वो ये है कि जो लैंड्स हैं जो ट्रांजिशनल होती हैं टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम्स के बीच में, और जहाँ पे जो वाटर टेबल होता है वो यूजली क्या होता है, एट होता है या नियर द सर्फेस होता है ऑफ द लैंड, और उसको और जो 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 शैलो वाटर के द्वारा कवर किया जाता है उसको हम वेटलैंड बोल देते हैं। तो फ्रेंड्स, वाटर टेबल क्या होता है? तो देखिए, वाटर टेबल क्या होता है, अगर ये मान लीजिए लैंड है और ये आपका थोड़ा थोड़ा नीचे वाला एरिया है और यहाँ पे आपका फिर से लैंड आ गई, तो यहाँ पे देखिए ये इसको इसको हम क्या बोल देते हैं, ये जो नीचे है इसको हम वाटर टेबल बोल देते हैं। तो वाटर टेबल बहुत ज़्यादा डीप नहीं होता, कहने का मतलब सिंपल ये है कि वेटलैंड्स बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती। सिंपल बात मैं आपको बता दूं कि 6 मीटर से डीप जो जो वाटर बॉडी है उसको हम वेटलैंड में कंसिडर नहीं करते। तो इसका जो वाटर टेबल है वो या तो एट होता है या नियर द सर्फेस ऑफ द लैंड होता है, और हमेशा वो शैलो वाटर से टेम्परेरी या परमानेंटली कवर्ड रहता है। तो देखिए, आपने सुना होगा दलदल वाले एरिए सुने होंगे, तो आप वो एक बहुत अच्छी एग्जांपल है वेटलैंड्स की। तो देखिए, मार्शेस हो गए, पॉन्ड्स हो गए, जो आपकी लेक्स के एजेस होते हैं जहाँ पे लेक्स खत्म होती हैं, या ओशंस के एजेस होते हैं जहाँ पे जब डेल्टा जो रिवर जो सी के साथ मिलते हैं, जहाँ पे रिवर का डेल्टा बनता है, जब लो लाइंग एरिए होते हैं वो जो फ्रीक्वेंटली फ्लडेड हो रहते हैं उनको हम वेटलैंड्स बोल देते हैं। और सबसे अच्छी एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ तो वो है आपकी राइस पैडी फील्ड, जो आप पैडी लगाते हो, राइस चावल लगाते हो, तो वहाँ पे जो आपका वो सबसे अच्छी एग्जाम्पल आपकी वेटलैंड की, क्योंकि वहां पे वाटर की जो डेप्थ है वो बहुत ज्यादा नहीं है और पानी पानी होता है, और जो चावल होते हैं वो पानी में लगते हैं। तो देखिए, वो एक तरह से क्या है, हाइड्रोफाइट्स हैं, और वो जो इकोसिस्टम है वो आपका क्या बन गया, वेटलैंड इकोसिस्टम बन गया। तो फ्रेंड्स, एक रामसर कन्वेंशन है जिसके अंदर इसको इन वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। क्यों प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है उसको हम आगे करेंगे, लेकिन इनको प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। तो ये जो रामसर कन्वेंशन है, ये 1971 में ईरान में एक जगह है, रामसर सिटी का नाम है, वहाँ पे ये कन्वेंशन साइन करी गई। इसका नाम क्या है और नाम इसको क्या बोला जाता है, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। तो देखिए, ये क्या है, एक तरह के इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, ये मल्टीपल गवर्नमेंट साथ में आके उन्होंने खुद में एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी की है। किसके लिए? टू प्रोवाइड, जो क्या करता है ये कन्वेंशन क्या करती है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है फॉर द नेशनल एक्शन एज वेल एज इंटरनेशनल कोऑपरेशन। नेशनल एक्शन और जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है वो किस बेस पे होनी है, फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स फॉर देयर रिसोर्सेज। तो जो वेटलैंड्स है उनके उनको कंजर्व करने के लिए और उनको वाइज तरीके से यूज करने के लिए इनका मिशन है। इनका मिशन ये है कि जो ये आपकी रामसर कन्वेंशन है, इसका मिशन है द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स बाय नेचुरल एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एज अ मींस टू अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये आपका रामसर कन्वेंशन का मिशन है। तो देखिए, अब सिंपल बात है, तो रामसर कन्वेंशन में किया क्या जाता है कि कुछ वेटलैंड्स जो होती हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको रामसर की लिस्ट में इंक्लूड कर दिया जाता है। मतलब उनको कहा जाता है कि ये इनको इनको एक एक डेजिग्नेशन दी जाती है, कि उनको क्या डेजिग्नेशन दी जाती है, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन, जो कुछ वेटलैंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी वेटलैंड को रामसर कन्वेंशन की लिस्ट में आने के लिए, उसको इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट बनने के लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरिया तो होगा जिसके बेस पे उसको डिफाइन किया जाएगा कि हाँ जी ये आपकी इंटरनेशनली या नेशनली इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, रामसर कन्वेंशन के अंदर ही इस क्राइटेरिया को भी डिफाइन किया गया कि किस बेसिस पे हम कुछ जो वेटलैंड्स होंगी चूज करके उनको इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट बनाएंगे अंडर द रामसर कन्वेंशन। तो देखिए, इसमें क्या है, दो ग्रुप्स है और 9 क्राइटेरिया जिसके बेस पे ये रिकॉग्नाइज की जाती हैं, ये वेटलैंड्स इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की। तो देखिए, ग्रुप ए में क्या है, साइट्स कंटेनिंग रिप्रेजेंटेटिव रेयर और यूनिक वेटलैंड टाइप्स। अगर कोई ऐसी साइट है, ऐसी ऐसी वेटलैंड है जो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस उसको अगर हम देने जा रहे हैं तो तब देंगे अगर वो क्या करती है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव रेयर और यूनिक एग्जांपल है नेचुरल या नियर नेचुरल वेटलैंड की। मतलब वेटलैंड है लेकिन वो यूनिक है, रेयर है, एग्जांपल है नेचुरल या रेयर नेचुरल वेटलैंड की, तो इसको हम इंटरनेशनली इंपॉर्टेंस वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस घोषित कर देंगे। ग्रुप बी में आती है फ्रेंड्स आपकी क्राइटेरिया बेस्ड ऑन स्पीशीज एंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज। तो पहला तो जो आपका था वो
वो रेयर और यूनिक वेटलैंड टाइप्स के हिसाब से ग्रुप ए में था। ग्रुप बी में आपका आता है बेस्ड ऑन द स्पीशीज एंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज। तो देखिए, किसी वेटलैंड को हम इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की वेटलैंड कब कब डिक्लेयर करेंगे? इफ़ इट सपोर्ट्स वल्नरेबल इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज। अगर कुछ ऐसे स्पीशीज है जो वहाँ पे वल्नरेबल है, इंडेंजर्ड है और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और वो वेटलैंड उनको सपोर्ट कर रही है और थ्रेटन इकोलॉजिकल कम्युनिटीज को सपोर्ट कर रही है, तब वो वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल वेटलैंड बनने के काबिल है अंडर द रामसर कन्वेंशन। तीसरा क्रिटेरिया क्या है? अगर वो सपोर्ट करती है पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज जो इंपॉर्टेंट है आपके बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए किसी पर्टिकुलर बायोजियोग्राफिक रीजन में, तब भी हम उसको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दे देते हैं। मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स वहाँ पे होंगे, उनकी स्पीशीज वहाँ पे होंगी जो एज अ होल एक तरह से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते होंगे उस पर्टिकुलर रीजन में। तो ये भी एक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया फोर आपका आता है कि अगर इफ इट सपोर्ट्स प्लांट और एनिमल स्पीशीज एट अ क्रिटिकल स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। मतलब कि अगर कोई वेटलैंड किसी एनिमल या प्लांट स्पीशीज को उसकी क्रिटिकल स्टेज पे सपोर्ट करती है। फ्रेंड्स, क्रिटिकल स्टेज क्या हो सकती है? जैसे ब्रीडिंग स्टेज होगी, कि ब्रीडिंग स्टेज पे मान लीजिए कुछ एनिमल्स ऐसे थे कि वो उस वेटलैंड में आके आपकी ब्रीडिंग करते हैं, तो स्पानिंग करते हैं जो एगलिंग एक्टिविटी होती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए, वो एक बहुत बड़ी क्रिटिकल स्टेज है, क्योंकि आने वाली जनरेशन जो है वो किस पे डिपेंड है? वो ब्रीडिंग पे या स्पानिंग पे डिपेंड है। तो अगर ऐसी कुछ लाइफ स्टेजेस पे कुछ वेटलैंड्स कुछ स्पीशीज को सपोर्ट करती है, मतलब ऐसी पर्टिकुलर लाइफ स्टेजेस पे, देन उसको हम वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर कर सकते हैं। या वो क्या करती है? रिफ्यूज प्रोवाइड करती है एडवर्स कंडीशंस में, तो ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की वेटलैंड उसमें आ सकती है। तो देखिए, वाटर बर्ड्स के बेस पे भी क्राइटेरिया है कि अगर जो आपकी वेटलैंड है वो सपोर्ट करती है 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स, तो भी उसको हम वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर कर देंगे रामसर कन्वेंशन के अंदर। और दूसरा क्राइटेरिया इसमें फर्दर क्या है आपका, कि अगर वो रेगुलरली सपोर्ट करती है 1% ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशीज और सब स्पीशीज ऑफ वाटर बर्ड। मान लीजिए किसी स्पीशीज को, यानी कोई बर्ड स्पीशीज है उसमें मान लीजिए 1,000 बर्ड्स हैं, तो अगर वो 100 100 बर्ड्स को सपोर्ट करती है वो पर्टिकुलर वेटलैंड, 100 या उससे ज़्यादा, तो भी वो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को डेजिग्नेट होने के काबिल है। तो अब देख, नेक्स्ट आपका क्राइटेरिया आता है फिश के बेसिस पे, मतलब कि अगर इफ इट सपोर्ट्स अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ इंडिजीनियस फिश सब स्पीशीज स्पीशीज और फैमिलीज, तब भी इसको हम वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर कर सकते हैं। और दूसरा फर्दर क्राइटेरिया क्या है फिश का? इफ इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर फिशेज, स्पानिंग ग्राउंड उनके जहाँ पे वो एग ले करती हैं वो प्रोवाइड कर, स्पानिंग ग्राउंड प्रोवाइड करता है, नर्सरी प्रोवाइड करता है, माइग्रेशन पाथ प्रोवाइड करता है फिश स्टॉक्स के लिए, आइदर विद इन द वेटलैंड और एल्सवेयर, तो अभी ये वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बनने के काबिल है। नेक्स्ट क्राइटेरिया जो आपका लास्ट है, नाइन्थ क्राइटेरिया है, वो ये है कि अगर वो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है और वाटर रिसोर्स है जो लोकल कम्युनिटीज वहाँ पे रह रही हैं, या वो इंक्रीज्ड पॉसिबिलिटीज प्रोवाइड करती है रिक्रिएशन के लिए, इको टूरिज्म के लिए, इंपॉर्टेंट सीनिक इंप्रूव्ड सीनिक वैल्यूज के लिए, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, या कुछ ऐसी कुछ कुछ हेल्प प्रोवाइड करती है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, चाहे वो हिस्टोरिक और रिलीजियस साइट्स हों, तो भी उसको हम वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर कर सकते हैं रामसर कन्वेंशन में। फ्रेंड्स, एक आपका इंडिया में भी नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्लान चल रहा है, ये 1985-86 से इंप्लीमेंट किया गया है, जिसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा जब हम वेटलैंड्स ऑफ इंडिया करेंगे। तो उसमें भी हम क्या करते हैं कि वेटलैंड्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस को चूज करते हैं। ऑलरेडी हम 115 वेटलैंड्स को चूज कर चुके हैं इस प्रोग्राम के अंदर, और जो क्राइटेरिया है चूज करने का नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंदर, वो सेम क्राइटेरिया है जो रामसर कन्वेंशन के अंडर लिया गया है। मतलब जो रामसर कन्वेंशन का जो दो ग्रुप्स नाइन क्राइटेरिया वाली बात है, वो नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम में भी यूज किया जाता है, जो अभी हमने किया है। तो अब देखिए, एडवांटेजेस क्या है रामसर कन्वेंशन ज्वाइन करने के लिए, कि किसी किसी पर्टिकुलर वेटलैंड को रामसर कन्वेंशन के अंदर डेजिग्नेट करने की एडवांटेजेस क्या हो सकती हैं? देखिए, पहली बात तो क्या है कि आपको फाइनेंशियल एड मिल सकती है उसकी कंजर्वेशन के लिए। अगर वेटलैंड वो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की बन गई तो उसकी कंजर्वेशन तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वेटलैंड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है, तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल एड मिलती है। तो फाइनेंशियल एड मिलती है आपकी अगर आप इनको ज्वाइन करते हो। दूसरी बात क्या है, उस साइट की, उस पर्टिकुलर साइट की पब्लिसिटी हो जाती है इंटरनेशनल लेवल पे, तो इससे क्या होता है आपका इको टूरिज्म बढ़ता है और सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं लोकल कम्युनिटीज को, और साथ ही साथ आपका क्या होता है कि इंटरनेशनल कॉपरेशन होती है और एक्सपर्ट एडवाइस मिलती है, और जो आपकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कैसे जो साइट के ऑन साइट प्रॉब्लम्स हैं वेटलैंड कंजर्वेशन और मैनेजमेंट की,
कैसे हम उनको एड्रेस कर सकें, तो एक्सपर्ट्स की एडवाइस मिलती है। और साथ ही साथ देखिए ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेज लर्न करने को मिलती हैं, जो यूज़ की जाती हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। और साथ ही साथ इंटरनेशनल गाइडलाइंस मिलती है वेरियस वेटलैंड कंजर्वेशन थीम्स पे। तो ये आपका इंपॉर्टेंस थी आपकी रामसर कन्वेंशन को ज्वाइन करने की, तो किसी वेटलैंड को रामसर कन्वेंशन के अंदर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस देने की। तो अभी बात करते हैं करंट स्टेटस की, कि करंट स्टेटस क्या है कन्वेंशन का। देखिए अभी जो आपकी रामसर कन्वेंशन है फेब्रुवरी 2018 में, एज पर द रामसर .org डाटा, फ्रेंड्स मैं कोई भी बात यहाँ पे लिखता हूँ मैं आपको बता दूँ, मैं बहुत ही ऑफिशियल तौर पर डाटा चूज करके लिखता हूँ, क्योंकि देखिए आपका नुकसान हो उसमें वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो कोई भी मैं डाटा ऐसे नहीं कि मैंने नेट से उठा के लिख दिया, जो ऑफिशियल जो ऑथेंटिकेट सोर्सेज है वहीं से मैंने इंक्लूड किया है, तो आप इन डाटा पे रिलाई कर सकते हो। हाँ ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हाँ 1% एरर आ जाए, वो भी क्या है जब हम मल्टीपल सोर्सेज से देखते हैं। तो अगर कोई ऐसा एरर हो लेक्चर में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, तो उसको मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा और खुद भी कंसिडर करूंगा कि अगर वो गलत है तो उसको मैं ठीक करूँ। तो फ्रेंड्स देखिए इसके मुताबिक फरवरी 2018 में क्या था, अभी ये रामसर कन्वेंशन 169 कंट्रीज ने साइन कर रखी है, जिसके अंडर 2331 वेटलैंड्स को इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मिली हुई है, और ऑलमोस्ट 225 मिलियन हेक्टेयर एरिया इन्होंने कवर किया हुआ है। इंडिया में देखिए 26 वेटलैंड है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की, इसको थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा। और रामसर जो कन्वेंशन है वो जो कि जो सेक्रेटेरिएट है वो डे टू डे एक्टिविटीज करती है रामसर कन्वेंशन की। और ये जो रामसर कन्वेंशन सेक्रेटेरिएट है ये है कहाँ पे लोकेटेड है, ये ग्लेंड स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। और देखिए हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, तो इसको भी प्लीज थोड़ा सा याद रखिए। अभी फरवरी निकला ही है, अप्रैल चल रहा है, सॉरी फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट इज करैक्टरिस्टिक्स कॉमन टू ऑल वेटलैंड्स। अब हम बात करेंगे करैक्टरिस्टिक्स की जो सभी को कॉमन है। तो ऑलरेडी हम वेटलैंड्स के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं आपको मिलेगा, बस मैं आपको हल्का हल्का ओवरव्यू दूंगा, डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा आपको इसमें। तो डेप्थ जो होती है आपकी वो 6 मीटर से ज्यादा नहीं होती किसी पर्टिकुलर वेटलैंड की, अगर 6 मीटर से ज्यादा है तो उसको हम वेटलैंड में कंसिडर नहीं करते। जो वाटर होता है वो प्रेजेंट रहता है सॉइल में। टॉप 12 इंचज जो सॉइल के है उसमें वाटर एटलीस्ट 15 दिन के लिए रहता है पूरे साल में, तो उसको अगर उसको वेटलैंड डिक्लेयर किया जाना है तो सॉइल जो होती हैं आपकी वो हाइड्रिक सॉइल्स होती हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है वाटर रहता है सैचुरेटेड सॉइल पार्टिकल्स के अंदर, और जो सॉइल्स एनएरोबिक होती हैं और सॉइल्स में ऑक्सीजन नहीं होती, और पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट वेजिटेशन वेजिटेशन वहाँ पे एग्जिस्ट करती है जिनको हम हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। अब देखिए प्रोडक्टिविटी के व्यू पॉइंट से देखें तो प्रोडक्टिविटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है, इनको बायोलॉजिकल सुपर मार्केट्स भी बोला जाता है, और इनकी प्रोडक्टिविटी कंपेयरेबल है टू द रेन फॉरेस्ट एंड द कोरल रीफ्स। वेजिटेशन किस टाइप की है, वेजिटेशन स्पेसिफिकली अडाप्टेड है आपकी जो वाटर में रहने के लिए, और उसको हम क्या बोल देते हैं हाइड्रोफाइट्स बोल देते हैं। और साथ ही साथ कुछ वेटलैंड प्लांट्स ऐसे होते हैं जो साल्ट में रहने के लिए अडेप्टेड होते हैं। तो नेक्स्ट आपकी बात आ गई अर्थ कवरेज की, तो 6% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस ये कवर करती हैं, और टुंड्रा टू ट्रॉपिक्स पाई जाती हैं एवरीवेयर ऑन द अर्थ पाई जाती हैं, हर एक कॉन्टिनेंट पे किसको छोड़ के, बस एक अंटार्कटिका को छोड़ के जो आपका साउथ पोल में है अर्थ के। नेक्स्ट आपका है फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स। तो टाइप्स ऑफ वेटलैंड देखिए काफ़ी तरह की हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स बनाते हैं, लैंडस्केप के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, वाटर क्वालिटी के हिसाब से, वेजिटेशन के हिसाब से। लेकिन जो दो जनरल क्लासिफिकेशन हैं वो ये वो क्या है, वो आपकी टाइडल और कोस्टल वेटलैंड्स और नॉन टाइडल और इनलैंड वेटलैंड्स। जो टाइडल और कोस्टल वेटलैंड्स होती हैं वो आपकी कोस्टल एरियाज में पाई जाती हैं, तो आपके जो जैसे इंडिया की एग्जाम्पल ले लीजिए तो यहाँ पर जो वेटलैंड्स होंगी उनको हम क्या बोल देंगे टाइडल और कोस्टल वेटलैंड्स। तो ये दीज आर फाउंड अलोंग द ओशियंस और सी कोस्ट में। और यहां पे क्या होता है जो आपका सी का वाटर है वो फ्रेश वाटर से मिक्स होता रहता है। तो इसमें देखिए इन वेटलैंड्स में एस्चुरीज भी आ जाती हैं, तो एस्चुरीज का मतलब क्या है, एस्चुरीज वेटलैंड्स हैं जिनमें सलाइन वाटर भी होता है और फ्रेश वाटर भी होता है। तो इस टाइप की वेटलैंड्स को हम करेक्टराइज करते हैं बाय द फ्लक्चुएटिंग साल्टी वाटर लेवल्स डिपेंडिंग अपॉन की हाई टाइड है। अगर हाई टाइड होगी तो साल्ट कंटेंट ज्यादा होगा, लो टाइड होगी तो साल्ट कंटेंट कम होगा। तो ये आपकी डिपेंडिंग अपॉन दम इसमें फ्लक्चुएट साल्ट जो है साल्ट लेवल जो है फ्लक्चुएट करता रहता है। और उसके बाद आगे आपकी नॉन टाइडल और इनलैंड वेटलैंड्स ये कहाँ पाई जाती हैं, ये आपके फ्लड प्लेन्स अलोंग द रिवर्स। तो यहाँ पे देखिए अगर ये मान लीजिए रिवर फ्लो कर रही है तो इसकी ये नेचुरल लेवीज हैं, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मानसून के सीजन में ये ओवरफ्लो करने लगी तो ये पानी जो है इसकी नेचुरल बाउंड्री से बाहर निकल जाएगा और यहाँ तक आ जाएगा मान लीजिए फ्लड के फॉर्म में। तो यहाँ पे ये जो पानी है ये जो आपके बिलो द सर्फिस जो आपका जो जो लेवल जो जिस 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 अगर लैंड का लेवल लो होगा उसमें वहाँ पर पानी डिपॉजिट हो जाएगा, तो यहाँ वहाँ पर वेटलैंड बन जाएगी। तो वो आपकी ये आपकी नॉन टाइडल और इनलैंड वेटलैंड होती हैं, ये आपकी रिवर्स के अलोंग पाई जाती हैं, स्ट्रीम्स के अलोंग पाई जाती हैं, लेक्स, पॉन्ड्स, लो लाइंग एरियाज,
जहाँ पे ग्राउंड वाटर आ जाता है, जहाँ आपका क्या आ जाता है, रेनफॉल सफिशियंटली सेचुरेट कर देता है सॉइल को. तो ये आपकी जो मैनी ऑफ दीज, ये जो आपकी इनलैंड वेटलैंड्स हैं, ये ज़्यादातर सीजनल होती हैं, ये परमानेंट नहीं होती, सीजन के हिसाब से आती हैं. अब फर्दर क्लासिफिकेशन आ गई आपकी. फर्दर क्लासिफिकेशन में आपकी वेटलैंड्स की एक मरीन वेटलैंड, जिनको हम कोस्टल वेटलैंड्स भी बोल देते हैं, ये आपकी एक्सपोज होती हैं ओशन ओशंस को, ओपन ओशंस को. इनके एग्जाम्पल क्या है, कोस्टल लगून्स, रॉकी शोर्स एंड कोरल रीफ्स. एस्चुरीन वेटलैंड्स क्या होती हैं, ये पार्शली इनक्लोज्ड होती हैं. किसके द्वारा, लैंड के द्वारा. जैसे मैंने आपको बताया, एस्चुरीन होती बेसिकली क्या है, जिनमें फ्रेश वाटर का सोर्स भी होता है और आपका मसलीन जो आपका मरीन वाटर है उसका सोर्स भी होता है. तो इसमें दोनों फ्रेश वाटर भी होता है और मरीन वाटर भी होता है. लेकिन मरीन वेटलैंड्स में टोटली सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर होता है. एस्चुरीन वेटलैंड ये आपकी पार्शली आपकी इंक्लोज्ड होती है लैंड के द्वारा, और इसमें फ्रेश वाटर भी ऐड होता रहता है और साल्ट वाटर बॉडीज को भी ऐड होता है, वाटर बॉडीज द्वारा भी वाटर ऐड किया जाता है. तो इनके एग्जाम्पल क्या है, जैसे डेल्टाज हो गए जो आपके, मान लीजिए जैसे अब यहाँ पे डेल्टा बनाएगी कोई रिवर, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका आपका फ्रेश वाटर भी ऐड हो रहा है और सी वाटर भी. तो ये आपकी एस्चुरीज होगी, टाइडल मार्शीज हो गए, मैनग्रूव्स हो गए, स्वैम्प्स हो गए. तो रिवराइन, अब ये आगे हो गए आपके एस्चुरीन वेटलैंड्स. नेक्स्ट आते हैं आपके रिवराइन वेटलैंड्स. तो रिवराइन वेटलैंड्स क्या होती हैं, जो रिवर्स और स्ट्रीम्स के अलोंग पाई जाती हैं. लिक्विस्ट्रन वेटलैंड्स होती हैं जो लेक्स के अलोंग पाई जाती हैं. और प्लिस्ट्रन वेटलैंड्स होती हैं जो आपकी ना रिवर्स के साथ पाई जाती है और ना लेक्स के साथ पाई जाती है, लेकिन ये होती इनलैंड है. तो इन इट मीन्स मार्श, इंक्लूडिंग मार्शेस, स्वैम्प्स एंड बोग्स. तो ये आपकी टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स है. अब बात करते हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड की. इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए मैंने पहले ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इकोलॉजिकल बैलेंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और ह्यूमन सर्वाइवल के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट्स होते हैं ये पूरे पूरे आपके वर्ल्ड के इकोसिस्टम्स में से, और इनको क्रेडल जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोला जाता है, और हाई कंसेंट्रेशन ऑफ बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड फिश सपोर्ट करते हैं. तो देखिए ये इंपॉर्टेंट स्टोर हाउस होते हैं प्लांट जेनेटिक मटेरियल के, जैसे राइस हो गया. तो ये मेडिसिनल पर्पसेस किसी के व्यू पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल होगा तो मेडिसिनल प्लांट्स भी वहाँ पे अवेलेबल होंगे अगर हम सर्च करें तो. तो इनको हमें सेव करना चाहिए. इंपॉर्टेंस हम थोड़ी सी डिटेल में देख लेते हैं. तो देखिए वाटर क्वालिटी को मेंटेन करने की हेल्प करते हैं. तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये लैंड है अगर, और ये आपकी आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम है. तो लैंड से देखिए, अब मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर रन ऑफ होता है. अब मैंने आपको ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि एग्रीकल्चर रन ऑफ होता है, जब सिटीज़ जो हैं, जब अर्बन एरियाज हैं, उनसे वेस्ट जो है वो आता रहता है और रिवर्स की तरफ. तो अगर बीच में कोई बफर जोन नहीं होगा तो ये जो सारा न्यूट्रंट इनरिच जो इनरिच्ड वाटर है ये रिवर्स में मिलेगा जाके. तो इससे क्या होगा, आपका जो रिवर्स में वाटर की क्वालिटी है वो लो हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी, वाटर पोल्यूट हो जाएगा. तो वेटलैंड्स जो होती हैं वो लैंड और वाटर के बीच में ट्रांजिशनल जोन होती हैं, और ये एक तरह से अब्जॉर्बेंट होती हैं. इनको एक तरह से हम नेचुरल किडनीज भी बोल देते हैं, क्योंकि जब वाटर आएगा जो आपका न्यूट्रंट रिच है या पोल्यूटेंट रिच है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिच है, जो आपका ह्यूमन सेटलमेंट से आएगा, रोड से आएगा, एग्रीकल्चर से आएगा या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से आएगा, वो सीधा और रिवर में नहीं जाएगा, वो वेटलैंड्स के वेटलैंड से होके गुजरेगा. तो वेटलैंड्स एक तरह से क्या करती हैं, उनको उस पानी को प्योरीफाई कर देते हैं. तो इनको हम ट्रीटमेंट वेटलैंड्स भी बोलते हैं. तो इसी करके तो ये बात है कि ये आपकी स्पेसिफिकली भी बनाई जाती हैं वाटर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए. नेक्स्ट आपका देखिए फ्लड कंट्रोल की हेल्प करती हैं. देखिए ट्रांजिशनल जोन है बिटवीन द वाटर एंड लैंड. तो अब देखिए अगर फ्लड आता है, मान लीजिए रिवर में पानी बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो अगर अपनी नेचुरल बाउंड्री से ओवरफ्लो होता है तो बीच में अगर बफर जोन होगा तो यहाँ पे आप जब हैबिटेशंस होंगी तो सीधा वहाँ पे फ्लड नहीं आएगा, क्योंकि पानी यहाँ पे पहले एंटर करेगा. तो ये क्या है, धीरे धीरे पानी को यहाँ पे डिस्चार्ज करेंगी, या उस काफ़ी पानी को तो खुद में ही अब्जॉर्ब कर लेंगी और ग्राउंड वाटर में उसको, और धीरे धीरे उसकी सीपेज हो जाएगी. तो इससे क्या होगा कि ग्राउंड वाटर के जो ग्राउंड वाटर लेवल लेवल है वो भी ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है, और साथ ही साथ आपका फ्लड भी नहीं आता. लेकिन अगर आप सीधे पानी को एक्सपोज्ड है, रिवर को एक्सपोज्ड है, तो पानी सीधा सीधा रिवर से निकलेगा और आपकी हैबिटेशंस में एंटर कर देगा, आपकी एग्रीकल्चरल लैंड्स में एंटर कर देगा. तो ये फ्लड कंट्रोल करती हैं. तो नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स है रिड्यूस इरोजन. तो इरोजन भी रिड्यूस करती हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बायोडाइवर्सिटी होगी. तो बायोडाइवर्सिटी से क्या होगा, अगर यहाँ पे एग्री सर्फेस रन ऑफ हो रहा है, एग्रीकल्चरल रन ऑफ हो रहा है, तो इससे क्या होगा, जो आपका आपके अगर प्लांट्स होंगे, वेजिटेशन होगी, तो जो सॉइल है वो यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएगी, क्योंकि ये आपके जो आपके ट्रीज होते हैं उनके रूट्स जो होते हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं. इससे क्या होता है, आपकी इरोजन नहीं होती है. तो इससे आपकी इरोजन कम हो जाती है और आपकी सॉइल जो है वो फर्टाइल रहती हैं. उसके बाद साथ ही साथ आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होता है. मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे होता है. जब पानी ओवरफ्लो होता है तो ये खुद में अब्जॉर्ब कर लेती हैं और वो पानी को धीरे धीरे जाने देती हैं, और ये पानी को इतना
ज़्यादा खुद में रख लेती हैं कि धीरे धीरे वो नीचे सी जो वो नीचे ग्राउंड ग्राउंड में चला जाता है, तो ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग हो जाती है, जिससे क्या होता है आपका आपका एक तरह से कई जो आपकी ड्राई ड्राउट सिचुएशंस हैं उनको टैकल करने में आपकी ये मदद करती है। तो एक तरह से ये एसेंशियल कॉम्पोनेंट है वाटर साइकिल का। तो ये लिंक प्रोवाइड करती है बिटवीन द ग्राउंड एंड सर्फेस वाटर। तो ये आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज है। हैबिटेट की बात अगर हम बात करें तो हैबिटेट कैसे प्रोवाइड करती है, बहुत सारा फ्लोरा फोना जो है वो यहाँ पे रहता है। ये बायोलॉजिकली बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा रिच हैं ये। तो इसके बाद कुछ ऐसे स्पीशीज़ भी हैं जो सिर्फ यहीं पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स, एनिमल्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड, फिश, एम्फीबियंस, इनवर्टिब्रेट्स को ये एक तरह से सपोर्ट करती हैं। तो एक तरह से नेचुरल होम ऑफ मैनी स्पेसिफिक स्पीसीज विच आर फाउंड ओनली इन वेटलैंड्स। फूड भी प्रोवाइड करती हैं, शेल्टर प्रोवाइड करती हैं, ब्रीडिंग रेस्टिंग प्लेसेज प्रोवाइड करती हैं फॉर द बायोडाइवर्सिटी जो यहाँ पे रहती है। रिक्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं टूरिज्म की, क्योंकि देखिए लोग आते हैं बर्ड वाचिंग के लिए। कुछ ऐसी वेटलैंड्स है जहाँ पे लोग बर्ड वाचिंग के लिए आते हैं, फोटोग्राफी के लिए आते हैं, रिलैक्सेशन कल्चरल टूरिज्म के लिए आते हैं, या वाइल्ड लाइफ को देखने आते हैं, नेचर को देखने आते हैं। बोटिंग भी कहीं कई जब बोटिंग या फिशिंग भी की जाती है कई वेटलैंड्स में। तो ये एक तरह से इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती है। तो इससे क्या जो आपकी लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होते हैं वेटलैंड्स के। तो ये आपके ऑलरेडी फंक्शंस मैंने समराइज ऑलरेडी इतने ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं और ये इनकी समरी है। तो आप यहाँ पे इनको ध्यान से देख सकते हो। तो ये आज का फ्रेंड्स आज के लेक्चर के बारे में। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छी लगी तो प्लीज़ डिसलाइक कीजिए और मुझे बताइए कि क्या कमी है, मैं उसको कंसिडर करूँगा और मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे फ्रेंड्स मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही हम आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं। कोई भी हमारा इनिशिएटिव अगर चल रहा हो जो हम यूट्यूब पे चला रहे हैं या कहीं और पे और फोरम पे चला रहे हैं, तो आप अगर इस टेलीग्राम चैनल पे होगे तो आपको पता चलता रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं आपके लिए। तो अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एंड में मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन वीडियोज़ की पीडीएफ डिस्कशंस को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8968426481। तो ये जो आपकी ये आपका डेली जो वीडियो डिस्कशंस होती हैं, अगर आप इनके नोट्स भी साथ में चाहते हैं तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपको कुछ प्रोसीजर के बाद सब्सक्राइब कर लेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स अल्टीमेटली आप जब आपका एग्जाम आएगा पास में, ना तो आप पूरी वीडियो सीरीज देख सकते हो और ना ही पूरी पूरी बुक्स पढ़ सकते हो, तो अल्टीमेटली आपको रिलाई करना पड़ेगा नोट्स पे। तो या तो आप खुद टाइम वेस्ट कीजिए नोट्स बनाइए, या ये काम हम आपके लिए करें। तो हम आपके लिए ये काम कर रहे हैं। अगर आप इन नोट्स को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको और नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अगर फ्रेंड्स आप इनको सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, कुछ पर्टिकुलर प्रोसीजर्स के बाद हम आपको सब्सक्राइब कर लेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।